सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2019 के वार्म अप मैच से पहले ही लगा काफी तगड़ा झटका, जहां टीम इंडिया के जबरदस्त ऑलराउंडर विजय शंकर हुए चोटिल। दोस्तों, ये इंग्लैंड से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2019 में। दोस्तों, क्या पूरा माजरा, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में कि विजय शंकर की चोट कितनी ज्यादा गंभीर है, क्या विजय शंकर चोटिल होने के बाद वर्ल्ड कप 2019 के वार्म अप मैच और वर्ल्ड कप 2019 से पूरे बाहर हो गए हैं या फिर नहीं। अगर विजय शंकर बाहर हुए हैं तो इनकी जगह पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है, कौन सा खिलाड़ी नंबर 4 की बल्लेबाजी करेगा भारतीय टीम में। दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के एक तगड़े वाले फैन हैं तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप 2019 जो कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 14 जुलाई 2019 को खत्म होगा, लेकिन उससे पहले सभी टीमों को खेलने हैं वार्म अप मैच, जहां भारतीय टीम भी 2 वार्म अप मैच खेलेगी वर्ल्ड कप से पहले, जो कि पहला वार्म अप यानी कि पहला प्रैक्टिस मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा 25 मई को, तो इसके बाद दूसरा और आखिरी प्रैक्टिस मैच यानी कि वार्म अप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो विजय शंकर वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच से पहले ही चोटिल हो गए हैं, जो कि इंजर्ड हो गए हैं। दोस्तों, विजय शंकर पहले वार्म अप मैच से पहले यानी कि सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजर्ड हो गए थे, जो कि काफी ज्यादा चोटिल हो गए थे, जिसके चलते वो प्रैक्टिस सेशन बीच में ही छोड़कर ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए थे। आपको बता दें कि टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी यानी कि बेहतरीन ऑलराउंडर विजय शंकर के दाहिने हाथ में चोट लगी है, जब वो बैटिंग कर रहे थे प्रैक्टिस सेशन में और गेंदबाजी कर रहे थे खलील अहमद। खलील अहमद उन 4 गेंदबाजों में शामिल हैं जिन्हें वर्ल्ड कप 2019 के प्रैक्टिस के लिए भारतीय खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाने के लिए इंग्लैंड बुलाया गया है, और खलील अहमद विजय शंकर को गेंदबाजी कर रहे थे और पुल शॉट खेलने के चक्कर में विजय शंकर के दाहिने हाथ में चोट लग गई थी। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं बताई है, कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है इनके चोट के ऊपर कि विजय शंकर की चोट कितनी ज्यादा गंभीर है, क्या ये वार्म अप मैच से बाहर हो गए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ या फिर वर्ल्ड कप 2019 के कुछ मैचों से भी बाहर हुए हैं। दोस्तों, अगर बाय चांस विजय शंकर की ये चोट थोड़ी ज्यादा गंभीर होती है तो ऐसे में उनकी जगह पर टीम इंडिया के पास 2 बढ़िया ऑप्शन है, जो कि नंबर 1 पर है केएल राहुल, जो कि केएल राहुल को भारतीय टीम में एज ए थर्ड ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है, लेकिन काम आने पर ये मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी भी बखूबी कर लेते हैं, और केएल राहुल इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और आईपीएल 2019 में भी काफी शानदार परफॉर्मेंस करके आया है। तो यहाँ पर नंबर 1 पर नाम आता है केएल राहुल का, जो कि अगर विजय शंकर चोट होने की वजह से बाहर होते हैं किसी भी मैच से तो उनकी जगह पर 110% खेलेंगे केएल राहुल। वहीं अगर हम बात करें दूसरे बैकअप खिलाड़ी के बारे में तो नंबर 2 पर नाम आता है दिनेश कार्तिक का, जो कि स्पेशली एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं, जो कि सोच बोझ बल्लेबाजी के साथ साथ हिटिंग बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करते हैं। तो अगर विजय शंकर किसी भी मैच से बाहर होते हैं इस चोट की वजह से तो उनकी जगह पर केएल राहुल या फिर दिनेश कार्तिक को खिलाया जाएगा भारतीय टीम में। वहीं आपको बता दूं कि टीम इंडिया के जबरदस्त खिलाड़ी जो कि केदार जाधव भी आईपीएल 2019 के दौरान इंजर्ड हो गए थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से फिट हो गए हैं, जबकि टीम इंग्लैंड के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन योन मॉर्गन भी पूरी तरह से इंजर्ड हैं और पहले वार्म अप मैच में नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद फिट हो जाएंगे, जबकि न्यूजीलैंड के जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम लेथन भी इंजर्ड हो गए हैं प्रैक्टिस करते वक्त दौरान और वो पूरे वार्म अप मैच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में सभी टीमों को बड़े ही बचाव के साथ खेलना होगा वार्म अप मैच और वर्ल्ड कप 2019 का ये बहुत ही बड़ा मंच है, ऐसे में कोई भी खिलाड़ी इंजरी की वजह से बाहर होना नहीं चाहेगा और हर टीम का सपना होता है वर्ल्ड कप जीतना, ऐसे में टीम इंडिया यहां पर सबसे बड़ी प्रबल दावेदार माने जा रही है वर्ल्ड कप 2019 जीतने की। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें, वहीं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज सबसे पहले।